करो, न्याय करो, न्याय करो, अपनी आदि भी न्याय करो, न्याय करो। लखनऊ में हर दिन हंगामा बरप रहा है। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने एक दिन पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर का घेराव किया था और मंगलवार को अपना दल एस के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के घर के आगे डट गए। डटे भी तो ऐसे कि हटने को तैयार नहीं थे। पुलिस ने सख्ती की तो भी ज्यादा असर नहीं दिखा। आशीष पटेल योगी सरकार में मंत्री हैं, तो उनकी पत्नी अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं। अपना दल एस के ये दोनों नेता पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं, इस मुद्दे पर मुखर भी रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए इंसाफ की आवाज भी उठाई है। अब ये आंदोलनकारी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आवाज तो उठाई लेकिन कुछ ठोस फैसला भी तो करा दें। इन प्रदर्शनकारियों के तीन मांगे हैं। पहली मांग है कि हाईकोर्ट के आदेश का फौरन पालन किया जाए। दूसरी मांग है कि नई सूची बनाकर जल्द नियुक्ति हो। और तीसरी मांग आरक्षण के दिशा निर्देश की अनदेखी कर पुरानी सूची बनाने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार लोगों को हटाने की है। बाहर प्रदर्शन के दौरान यहाँ एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत अचानक खराब हो गई। इस दौरान उसे मंत्री के घर के भीतर ले जाया गया। हंगामा बढ़ा तो मंत्री आशीष पटेल बाहर आए, प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों से मिले। आरक्षित वर्ग के इन अभ्यर्थियों को कानूनी लड़ाई में साथ देने का यकीन दिलाया। कहा कि निकम्मे अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए और भरोसा दिलाया कि इस बार की दीपावली आप लोग स्कूल में मनाएंगे। इशारा नियुक्ति पत्र की तरफ था। मंत्री भी हूँ तो यानी वंचित वर्ग के लोगों की बदौलत। अगर अनुपालन में किसी प्रकार की कमी रही है तो गुमराह करने वाले अधिकारियों को हमारी पार्टी ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। केशव प्रसाद मौर्य से लेकर आशीष पटेल तक योगी सरकार में प्रमुख ओबीसी चेहरों में शुमार है। अब इस बात की चर्चा तेज है कि आरक्षित वर्ग के ये शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन का अगला ठिकाना किस मंत्री के घर के आगे तलाशेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।